आज अपन जो डिस्कशन करेंगे वो यही है कि यार खुद से मोटिवेशन आना चाहिए, खुद से इच्छा होनी चाहिए कुछ करने की। एक वो जो होती है ना चिंगारी, आग, वो आनी चाहिए अंदर से कि यार मुझे कुछ करना है। अब वो ये भी हो सकता है IIT निकालनी, वो ये भी हो सकता है कि यार मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, इट कैन बी एनीथिंग। वो रीज़न तुमको क्यों लाइफ में पढ़ना है उसका रीज़न कभी तुमने ढूंढ लिया तो तुम लोग कर लोगे। द मेन थिंग इज़ ये मन नहीं लगना, अलसी करना कि यार थोड़ी देर पढ़ाई की फिर मोबाइल में लग गए, बात करने लग गए, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी जब तुम लोगों के पास एक अच्छा रीज़न होगा, सॉलिड रीज़न होगा काम करने का। काम जब तुम ईमानदारी से करोगे तो तुमको खुद को खुद से बहाने नहीं बनाने पड़ेंगे। कितनी बार ऐसा लगता है कि यार आज पूरा दिन बर्बाद हो गया, कुछ नहीं किया। ऐसा क्यों होता है? एक दो दिन बहुत अच्छे से काम हो जाता है, फिर तीसरे दिन वही, फिर लगता है मोटिवेशन चाहिए। अरे ऐसा क्यों हो रहा है भाई? एक जैसे चलो, जीतता वही है जो एक ही स्पीड में चलता है। ऐसा नहीं भाग रहे हो फिर रुक गए, फिर भाग रहे हो फिर रुक गए, ये नहीं। चलते चलो, धीरे धीरे भी चलोगे तो भी जीत जाओगे। तेज चलना ज़रूरी नहीं है। किसी इंसान को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को धीरे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझना ज़रूरी है भाई। तेज चलना ज़रूरी नहीं है। कैसे चलना है? धीरे धीरे चलते चलो, आगे बढ़ते चलो। ये इम्पॉर्टेंट, ये पॉइंट दिमाग में रखो। बस जो भी टारगेट है उसको हमेशा हर पल सोचो कि मेरे को वहाँ तक पहुँचना है, और उसके लिए जो भी एफर्ट्स लगते हैं वो पुट इन करो यार, डालो अपने। ऐसा नहीं कि एक दिन मैंने अच्छे से वो सारी चीज़ें भाई टाइम टेबल बनाया कि इतनी बजे उठना है, इतनी बजे नाश्ता करना है, इतनी बजे पढ़ने बैठना है, 6 घंटे पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी, एक दिन फॉलो किया, अगले दिन वापस वैसे, कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे टाइम टेबल कितने बना के तुम फाड़ के नए नए बनाते जाओगे, कुछ नहीं होगा। द मेन थिंग इज खुद से एक प्रॉमिस करना होगा।